अवस्था थाना क्षेत्र के बसंत बिहार में बैंक मैनेजर ने खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बैंक मैनेजर ने खुद को गोली मारने से पहले अपने दोस्त को फोन करके दी थी जानकारी। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दोस्तों और परिजनों ने गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अभी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल धर्मेंद्र उन्नाव के पाटन में SBI बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। आज दोपहर धर्मेंद्र में बसंत बिहार स्थित घर में खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से माथे में गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। धर्मेंद्र के मित्र राघवेंद्र ने बताया कि खुद को गोली मारने से पहले उनको फोन किया गया था। उन्होंने धर्मेंद्र की बात सुनी तो आनन फानन में धर्मेंद्र के घर में पहुंचे तो खून से लथपथ हालत में धर्मेंद्र को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। राघवेंद्र ने बताया कि धर्मेंद्र को अपनी पत्नी 2003 में हत्या हो गई थी और बीती 28 अप्रैल को धर्मेंद्र के बेटे ने भी सुसाइड कर लिया था, जिसके चलते धर्मेंद्र तनाव में था और उसने ये कदम उठाया। रुको, कुछ नहीं करोगे, वहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करके आया हूँ, आवाज़ भर रही थी इनकी, यहाँ आया लड़का था, यहाँ अंजलि में एक मरीज बैठी था, उसको फ़ोन किया हमने स्कूटी से, इन्होंने घर में भी फ़ोन किया, क्योंकि मैं जब रास्ते में था तो वाइफ को फ़ोन आके धर्मेंद्र ने कुछ क्या हो गया, तो मैंने कहा वहीं जा रहा हूँ, घर में आया बस तुरंत मरीज को। क्या किया था इन्होंने? रिवॉल्वर जैसे गोली मार लिया। अभी कहाँ पर एडमिट, कैसे क्या हालत है? यहीं कहा धन्वंतरी अस्पताल, हाँ अब आईसीयू में ले गए हैं। देखो क्या वजह, कुछ वजह सामने? इनकी वाइफ का मर्डर हो गया था 2003 में, 28 अप्रैल को पुणे में लड़का बीटेक कर रहा था, उसने वहाँ सुसाइड कर लिया। अब अकेले थे, ये बहनें थी, उनकी शादी हो गई तो वो डिप्रेशन में, माता जी हैं 75-80 साल की, अभी 15 दिन पहले उनके होती है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ, तो वो कुछ नहीं, कोई किसी से बात करना, हम ही लोगों के पास बैठ जाते थे जाके, अब 2-3 दिन से हम लोग खुदे बिजी हैं, नहीं तो रोजे जाते थे, तनाव में आके और डिप्रेशन था ही ना, तो रोजे था। रिपोर्ट बाय आशीष यादव, समाचार इंडिया न्यूज़, नोबल।